हाय गुड मॉर्निंग। सो आज डिटेल में बात करते हैं अबाउट कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम और कैसे कैसे वहाँ कोर्सेज होते हैं और क्या प्रोसीजर रहता है, स्पेशली फ्रॉम द इंडियन स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। बहुत सिंपल है फिर भी मेरा फ़र्ज है बताना। तो देखिए, सबसे पहली बात, कैनेडा में या इंडिया से जब हम जाते हैं तो ऑफकोर्स दो तरह के कोर्स हो सकते हैं, या बच्चे दो तरह के होते हैं कि या तो ट्वेल्थ के बाद जा रहे हैं या आप कॉलेज करके जा रहे हैं, और वर्ष और किसी केसेस में मास्टर्स करके भी जा सकते हैं, राइट। तो इंडिया से आप ऑल या तो आप ट्वेल्थ पास हैं और आप जैसे बोलते हैं अंडर ग्रेड कोर्स के लिए जा रहे हैं, या आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं और आप पोस्ट ग्रेड कोर्स के लिए जा रहे हैं, या ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट हैं फर्दर हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, करेक्ट। सबसे जो कॉमन रूल है जो इंडियंस हमेशा देखते हैं सोचते हैं वो होता है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। 70% कॉलेजेस में अवेलेबल होता है और उसको हम हमेशा चेक करना चाहिए हमें डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस DLI लिस्ट। आप गूगल करेंगे ना DLI लिस्ट कैनेडा, आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका कंसल्टेंट आपको कॉलेज बता रहा है वो उस लिस्ट में है भी या नहीं। अब सबसे पहले बेसिक एजुकेशन सिस्टम देखिए, कैनेडा में हमेशा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का प्रोग्राम भी है ट्वेल्थ के बाद के लिए। सो ट्वेल्थ के बाद जब हम जा रहे हैं हम एक सिंपल 1 साल का भी अंडरग्रेड डिप्लोमा कर सकते हैं, हम 2 साल का अंडरग्रेड डिप्लोमा कर सकते हैं, हम 3 साल की डिग्री कर सकते हैं जो बहुत ही रेयरली अवेलेबल है, और हम 4 साल की प्रॉपर डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि कैनेडा में यूजुअली 4 साल का डिग्री सिस्टम है। अब ये डिफरेंस सिंपल सी बात यह है, वेरी फ्रेंकली, जितना पेरेंट का बजट है। और मैंने क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। दोबारा रिपीट करता हूँ, 8 महीने से कम अगर आपका कोर्स है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 8 महीने से लेकर 24 महीने तक जितने महीने का कोर्स होता है उतने महीने का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। दैट मीन्स आपका कोर्स अगर एग्जैक्ट 14 महीने का था, ये अक्सर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में होता है, तो आपका PSW भी 14 महीने का होगा। आपका कोर्स 16 महीने का है तो PSW 16 महीने का होगा। आपका कोर्स 23 महीने का है तो PSW 23 महीने का होगा। और 24 महीने होते ही ये 3 साल हो जाता है, तो फिर आपका कोर्स अब 24 महीने का हो, 25 का हो, 28 का हो, 30 का हो, 36 का हो, 48 का हो, 4 साल की डिग्री, आपको PSW 3 साल का मिलेगा। क्लियर हो गया? तो इसलिए हमें मान के चलो कोई 8 महीने नीचे का कोर्स तो चूज़ करेगा नहीं। इंडिया से बच्चे 12th के बाद जाते हैं 1 साल का भी करने, फिर आपको मिलेगा 1 साल का वर्क वीज़ा। 2 साल का कर लोगे तो पूरे 3 साल का मिल जाएगा। 3 साल की डिग्री कर लोगे तो आप ग्रेजुएट हो जाओगे, और 4 साल की डिग्री कर लोगे तो भी प्रॉपर ग्रेजुएट हो जाओगे। सो आइडियली स्पीकिंग आपको ग्रेजुएशन करनी चाहिए ताकि आपका एक फ्यूचर करियर सिक्योर हो, लेकिन जब 4 साल का कोर्स करने जाओगे तो पेरेंट्स को भी 4 साल की फीस का इंतजाम करना पड़ेगा। दैट मीन्स रफली स्पीकिंग पेरेंट्स की जेब से 40 लाख रुपए जाएंगे। कनाडा में हमने मोटा मोटी फिगर मान सकते हैं कि जितने साल आपकी पढ़ाई है 10 लाख रुपये साल की फीस है, क्योंकि रहना खाना पार्ट टाइम जॉब से निकल जाता है, बहुत आराम से निकल जाता है, कुछ बच भी जाता है। अगर मैं और एग्जैक्ट आपको बताऊँ तो पर ईयर आप 8 लाख रुपए में आपका काम चल सकता है, इवेंचुअल एक्सपेंसेस। हाँ, पहले साल हमें पता ही है कि चाहे आप 1 साल का करने जाओ, चाहे 2 साल का, चाहे 4 साल का, वो जो GIC खुलवाना होता है $10,200 का, तो पहले साल हमेशा पेरेंट्स की जेब से एक बार तो 18-19 लाख रुपए खर्च होते हैं टिकट वगैरह सब मिला के। लेकिन अगर मैं पूरे कोर्स की बात करूँ, चाहे कम से कम 2 साल में, तो आप मानेंगे कि 2 साल का कोर्स हो या 3 साल का या 4 साल का, एवरेज जो हमारी जेब से एक्सपेंस हो रहा है वो 8.5-9 लाख रुपए पर ईयर आप एक कैनेडा में एक स्टैंडर्ड मान लें। विच मीन्स अगर आप अपने बच्चे को 2 साल के लिए भेज रहे हैं तो अपनी जेब से 18 लाख, 4 साल के लिए भेज रहे हैं तो 36-38 लाख आप मान के चलिए, जिसमें बच्चा सेटल वहाँ पर हो जाएगा। नाउ कम अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। तो 1 साल अगर फिलहाल पेरेंट के पास बजट ही 1 साल के कोर्स है कि जी मैं तो 10 लाख ही मैक्सिमम अपनी जेब से खर्च कर सकता हूँ, GIC के पैसे मैं उधार से, मैं एक बारी में 18 दे रहा हूँ लेकिन मैं नेट खर्चा 10 के ऊपर नहीं करना चाहता, तो वो 1 साल का चूज़ करते हैं। अक्सर 12th के बाद 1 साल का कोर्स चूज़ नहीं करना चाहिए वीज़ा पर्पस के लिए, मैं उसमें भी डिटेल में आऊँगा। अक्सर 12th के बाद अपन 2 साल के लिए जाते हैं, फिर 3 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है। कुछ लोग जिंदगी भर फिर काम नहीं करते रहते हैं, कुछ लोग खुद कमा के फिर बाकी 2 साल और भी पढ़ाई करके अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। अगर आपका ये 2 साल का जो कोर्स था वो वैसा कोर्स था कि जो अलाउ करता है क्रेडिट ट्रांसफर, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये हो गया अंडर ग्रेड। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं तो 1 साल का भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है, सर डिप्लोमा बोलो सर्टिफिकेट बोलो एक ही बात है, 2 साल का भी होता है और 2 साल की मास्टर्स डिग्री भी होती है, और मास्टर्स डिग्री 2 साल की भी हो सकती है, 16 महीने की भी, 14 महीने की, 12 महीने की भी, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी और द कॉलेज। PSW फॉर्मूला सेम रहेगा।
तो आप 1 साल के लिए जा रहे हैं तो 1 साल का मिलेगा, 16 महीने के लिए जा रहे हैं तो 16 महीने का मिलेगा, 2 साल के जा रहे हैं तो 3 साल का मिल जाएगा। अब आते हैं कोर्सेज पे। देखिए आँख बंद करके आप जो कोर्स सोच सकते हैं वह सब मिलता है। कभी एक बार मुझसे बच्चे पूछते हैं सर किस कोर्स के लिए जाए, मैं कहता हूँ थोड़ा सा तो आप भी बता दो। एक रिसेंट केस आया, बच्चे ने एक्चुअली PCBM चारों ले रखे थे और 5वां इंग्लिश, चूँकि उन्होंने मैथ्स भी था वो बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए भी एलिजिबल है, उसके पास PCM था वो सारे टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल है, उसके पास बायोलॉजी भी थी वो सारे मेडिकल प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल। मैंने कहा दोस्त उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, ही इज़ एलिजिबल 2 साल अंडर ग्रेड कैनेडा में, वो 500 प्रोग्राम के लिए अवेलेबल। ऑफकोर्स 500 डिफरेंट नहीं थे, अबाउट 70 डिफरेंट कोर्सेज इन 500 इज इट टोटल कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन। तो मैं ये कहता हूँ क्या मैं तुम्हें 500 की लिस्ट भेजूँ, थोड़ा तो बता दो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। सर जिसमें जॉब मिल जाए, मैं तो जॉब भी मिल जाएगी सपने में, वरना अगर जिस कोर्स में जॉब नहीं मिलेगी वो कोर्स कैनेडा गवर्नमेंट में क्यों चलाएगी। तो जॉब भी सब में मिलेगी, लेकिन अब मिलके बैठ के डिस्कस करते हैं कि आपको क्या पसंद है। आप डिप्लोमा इन नर्सिंग करना चाहते हो, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन करना चाहते हो, या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो, या डिप्लोमा इन मैकेनिकल मोटर मैकेनिक करना चाहते हो, या डिप्लोमा इन फैशन करना चाहते हो, या डिप्लोमा इन क्रिएटिव डिजाइनिंग करना चाहते हो, डिप्लोमा इन बिजनेस करना चाहते हो, सब कुछ अवेलेबल है खासकर तुम्हारे लिए, या डिप्लोमा इन केमिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के, तो बहुत ज़्यादा जितना हम सोच भी नहीं सकते। तो मेरे को आओ पहले डिसाइड करते हैं, चाहो तो हमारा वो सेगमेंटेड टेस्ट ले सकते हो और फिर आपको हेल्प होगी कि आपको कौन सा कोर्स से कौन सा करियर करने में मजा आएगा, आप वो चूज कर लो क्योंकि आप एलिजिबल। तो 500 कोर्स के लिए हो, जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं जिन्होंने मैथ्स ही ले रखी होती है वो शायद सिर्फ होते ही 50 कोर्स के लिए एलिजिबल है, तो उनको कोर्स लिस्ट देना भी आसान हो जाता है। जॉब हमें अक्सर हर एक करियर में कैनेडा में मिल जाती है, आई कैन गारंटी यू, तो उसकी चिंता आप कभी मत कीजिए। तो ये हो गया कोर्स सिलेक्शन। अब आता है वीज़ा। देखिए वीज़ा का एक बिल्कुल गोल्डन रूल है कि आप पढ़ने आ रहे हैं और वीज़ा ऑफिसर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप आए पढ़ें, PSW के माध्यम से वर्क एक्सपीरियंस गेन करें पर फिर वापस अपने देश जाएं, ऐसा हमें साबित करना होता है। ये बस सबको पता है कि 95% बच्चे इंडिया के सिर्फ PR के लिए जा रहे हैं, लेकिन कागजों में वीज़ा फाइल में साबित करना होता है कि हम पढ़ने जा रहे हैं, चाहे वो आपकी फिर पास्ट एजुकेशन हो, कोई अगर आपका स्टडी गैप हो, आपके पेरेंट्स के फिनेंशियल्स हो, ITRs हो, बैंक स्टेटमेंट्स हो, आपके ग्रेड्स हो, वो ये सब चीज़ें साबित करना चाहिए कि आप अच्छे बच्चे हो। अगर आपके ग्रेजुएशन में 52% मार्क थे और आप MBA करने जा रहे हो कनाडा में, वो कनाडा का वीज़ा ऑफिसर बोलेगा ना कि तुम पढ़ने आ रहे हो हमारे यहाँ, इंडिया में तो तुमने पढ़ाई करी नहीं, 52% तुम्हारे मार्क्स हैं, इसलिए आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो वीज़ा रिजेक्शन सिर्फ इसलिए होता है कि वीज़ा ऑफिसर कन्विंस नहीं है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, इस लाइन को समझिए, तो करना बहुत मुश्किल नहीं है अगर आपका कंसल्टेंट ठीक है। जैसे हम मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस दिन हमारे पास बच्चा पहली काउंसलिंग लेता है उसी दिन उसकी वीज़ा फाइल बनानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें साबित करना होता है कि तुम एक जेन्युइन स्टूडेंट हो। उसके 10-12 पैरामीटर हैं, आपके ग्रेजुएशन मार्क्स, आपके पुराने मार्क्स, आपकी कोई आपके NGO सर्टिफिकेट हैं, आपके वर्क एक्सपीरियंस भी कितना ऑथेंटिक है, बैंक ट्रांसफर सैलरी वाला हो तो बहुत अच्छा रहता है, आपके कोई NGO वॉलंटियर सर्टिफिकेट्स हैं, आपके कोई ऑनलाइन कोर्सेज करे हुए हैं, आपका जो स्टडी गैप है वो वेल डिफाइंड है, वेल एक्सप्लेन्ड है, आपके IELTS में तो 6 ईच बैंड चाहिए ही SDS वीज़ा में फाइल करने के लिए। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि आप फाइनली कहाँ पर जा पाएंगे और आपको वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सब एक समरी है जो बच्चे जो कैनेडा के एस्पिरेंट्स हैं कि आप किस तरीके से अपनी कनाडा की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद।